दोस्तों फाइनली Redmi Note 11 सीरीज 28 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च कर दिया गया है और फोन के सारे कंफर्म फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन को अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों बजट प्राइस सेगमेंट में फोन में काफी जबरदस्त लेवल के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। फोन के प्राइस से पहले फोन में दिए गए सारे किलर स्पेसिफिकेशन को लेके बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैमरा के कन्फर्म डिटेल्स की बात करते हैं जो की ऑफिशियली 28 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया गया। दोस्तों Redmi Note 11 Pro में हम लोग को 108 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा मिल जाता है जो की Samsung SM2 सेंसर के साथ बेस्ड होगा। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है और फ्रंट में हम लोग को 16 मेगापिक्सल का सेंटर कंसोल फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इस बार कैमरा में काफी ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं जिससे Redmi Note 11 Pro काफी जबरदस्त फोटोज निकाल के दे देता है। दोस्तों ये फोटो सैंपल इसी फोन से लिया गया है। यहाँ पे क्लियरिटी, एक्सपोजर एंड कलर्स को काफी मेंटेन कर रखा है। आप कमेंट में जरूर बताओ कि आपको इस फोन का कैमरा कैसा लगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस को लेके, जहाँ पे हम लोग को MediaTek Dimensity 920 मिल जाता है जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। AnTuTu स्कोर दोस्तों 5 लाख से ऊपर निकल के आ जाता है जो कि काफी जबरदस्त है। दोस्तों प्रोसेसर इस फोन में काफी क्लियर दिया गया है जहाँ पे आप कोई भी हैवी गेम बहुत ही स्मूथली हाई ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं। फोन आपका कहीं भी ज्यादा थ्रोटल या फिर लैग नहीं होने वाला है। साथ में ग्राफिक्स हम लोग को Mali G86 का दिया गया है जो कि MC4 पे बेस्ड होगा। आपको यहाँ पे बेटर ग्राफिक्स मिल जाता है, इट्स मीन दोस्तों आपका गेमिंग लेवल एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का जाने वाला है। इस बार प्रोसेसर को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि यहाँ पे आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल जाता है। इस बार बैटरी हम लोग को सिर्फ 4500 mAh का ही मिलती है, लेकिन इस बार हम लोग को फोन को चार्ज करने के लिए 67 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। फोन दोस्तों आपका 0 से 100% सिर्फ आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को अगेन 6.7 इंच का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट एंड 360Hz टच सैंपल रेट के साथ मिल जाता है। इट्स मीन इस फोन में हम लोग को डिस्प्ले परफॉर्मेंस भी काफी स्मूथ मिल जाता है और यहाँ पे डिस्प्ले गेमर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के लुक एंड डिजाइन को लेके, जहाँ पे इस फोन को काफी लाइट वेट बनाया गया है और साथ ही फ्लैट स्लिम डिजाइन दिया गया है। फोन को स्क्रेचेस से बचाने के लिए हम लोग को बैक साइड में एजी ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है और साथ ही फ्रंट में विक्टस का कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। दोस्तों इस बार भी अगेन प्राइवेसी को लेके हम लोग को यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही मिलता है। पता नहीं रेडमी सीरीज में हम लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कब मिलेगा, मुझे नहीं पता आखिर रेडमी ऐसा क्यों करता है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हम लोग को 3.5mm का जैक प्लस आयर ब्लास्टर एंड टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। दोस्तों फोन 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 6+128GB, 8+128GB एंड 8+256GB, जहां पे LPDDR4X RAM प्लस UFS 3.1 का स्टोरेज दिया गया है। दोस्तों इस फोन का बेस वेरिएंट 6+128GB वाला वेरिएंट चाइना में अप्रोक्स 18,000 के प्राइस में लॉन्च किया जा रहा है, बट इंडिया में हम लोग को 19,000 से 20,000 के प्राइस में मिलेगा कुछ टैक्स लगा के। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।